तो गिर गिरा रहे थे हम तो, कितने हमारे घर जब आए तो हाथ जोकर जोड़ करके माफी मांग रहे थे हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने, सब गवाह हैं। इतनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है, देर इज़ अ ज़ीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कभी हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब दो बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, दो बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके, दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं? हमारे घर जब आए तो हाथ जोकर जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने, सब गवाह हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि बड़ी खबरें चल रही थी कि नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं, नाराज हैं किसी बात से, वक्त वाले मामले पे या किसी मामले पे, तो क्या सही में आप लोग ऐसा तो नहीं कि माहौल तो ऐसा ही बन गया था कि लग रहा था कि लोग तो यही मानने लगे थे कि भाई फिर लगता है मार रहे। सोचिए जो पुराना वीडियो पे लोग मानने लगे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी पे, तो क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई ना उनकी। पुराना वीडियो भी कोई भी वायरल कर देता है उस पर लोग दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक सब फिर चौक जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं कि फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई, फिर पलटी मारेंगे क्या। तो आप समझ जाइए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, राजनीति क्या रहेगी। तो पलटी मारेंगे तो फिर आप साथ लेंगे, मतलब आप एश्योर कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, आप कोई मतलब नहीं है, जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अब वो थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा। अब उनको बाइज्जत जो है इन चीज़ों से, अब बिहार के लिए भला करना है तो उनको त्यागना पड़ेगा।